प्रकृति की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम प्रकृति के ओर के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि पानी हमारे लिए बेहद कीमती है और पानी के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। ये बात सदियों पहले समझ ली गई थी और इस दिशा में हमारे पुरखों ने पानी को सहेजने के लिए कई कदम उठाए थे, मगर फिर भी आज हम पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्यों। वन में जीवन है और जीवन में वन है, मगर दोनों के लिए जरूरी है जल यानी पानी। पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी और इंसान पानी के बिना नहीं रह सकते, तो जल, जंगल और जमीन एक दूसरे के पूरक हैं। जल होगा तो जंगल होगा, और जब जल जंगल होंगे तो निश्चित ही जमीन पर खुशहाली होगी। ये कोरी कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। ये सत्य सदियों पहले भी था और सदियों तक रहेगा। इंसान ने जब अपनी बस्तियों को बसाना शुरू किया होगा तो नदी, तालाब, पोखर का किनारा उसका पहला आश्रय रहा होगा। इन पगडंडियों के सहारे उसने अपने भविष्य का सपना देखा होगा। हमारी राजधानी दिल्ली में भी ऐसी पगडंडियां उस काल की कहानी सुनाती हैं। फर्क सिर्फ नजरिए का है। उन्होंने पानी की कीमत समझी और उसी के किनारे अपनी आबादी, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति विकसित की। क्योंकि बिना जल के जीवन नहीं है, क्योंकि जल ही जीवन है, ये कहावत भी है और ये चरितार्थ भी है। जहाँ जहाँ जल हुआ है, भले ही नदियाँ रही हों या बड़ी बड़े पानी के स्रोत रहे हों, वहीं पर जीवन पनपा है, बड़ी बड़ी सभ्यताएँ वहाँ बनी हैं, विकास हुआ है सभ्यताओं का। आज भी जो पुराना इतिहास उठाकर देखें तो पुरानी नदियों के साथ साथ आपको सभ्यताओं का विकास होता हुआ और आगे दूर तक फैलता हुआ दिखाई देता है। ये कोई इसके लिए अतिशयोक्ति नहीं है, इसके लिए कोई आपको उदाहरण की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे आसपास में बड़े आसानी से देखने को मिलता है। अब जब उन सभ्यताओं से आगे बढ़े, हमारी पानी की आवश्यकता थी, घरों में पानी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से रख सकते थे, लेकिन उन ज़रूरतों के हिसाब से पानी रखने के लिए भी हमें कहीं ना कहीं से पानी लाने की ज़रूरत पड़ती होगी, कहीं ना कहीं से पानी निकालना पड़ता होगा। आज तो हमारे यहाँ टैप वाटर या नल से पानी आ जाता है, हैंडपम्प से आ जाता है। तो उस समय लोगों ने जब सामाजिक रूप से एक साथ रहते थे, कहीं ना कहीं ये महसूस किया कि हमें पानी को इकट्ठा करना चाहिए, कोई ना कोई ऐसे स्रोत होने चाहिए जहाँ से हमें भले ही नदी का पानी नहीं आ रहा हो, कहीं ना कहीं ऐसे स्रोत होने चाहिए जहाँ से पानी मिल सके। तो उनमें से पानी आने के लिए एक तो बारिश का रास्ता हो सकता था, दूसरा बारिश का जो पानी इकट्ठा करने का, या नदियों से नहरों के रास्तों से आने वाला पानी हो सकता था। तो कहीं ना कहीं सोच बनी, लोगों ने देखा कि जो गहरे स्थान होते हैं वहाँ पानी इकट्ठा हो सकता है। तो इस सोच को, इस समझ को लोगों ने आगे बढ़ाया और तालाब का विकास हुआ। तालाब एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग मानव निर्मित संरचना, जो जिसका तल निश्चित रूप से थोड़ा सा गहरा होता है और वहाँ पर आसपास से बहकर आने वाला पानी इकट्ठा हो सकता है। जब ये तल आप सॉलिड रूप से बंद कर देते हैं या पत्थरों से बंद कर दिया जाता है ताकि पानी एकदम से नीचे ना जा सके, तो ये इनडायरेक्टली एक बावड़ी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से तालाब और बावड़ी दो ऐसी संरचनाएं हुई जो मानव निर्मित रही और जिनका योगदान मुख्यतः पानी को रोकने में, ताकि वो जरूरत पड़ने पर लिया जा सके, की गई। ये वैज्ञानिक सच है कि जिस दिन पृथ्वी पर पानी जन्मा, उस समय जितनी मात्रा में पानी था, आज भी उतनी ही मात्रा में पानी हमारी जमीन पर मौजूद है। फिर क्या कारण है कि आज पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है? कौन दोषी है इसके लिए? कभी सोचा है आपने? भागती दौड़ती जिंदगी में हम पानी जैसे अहम प्रश्न पर ना तो विचार करते हैं
और ना उन समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करते हैं कि आखिर पानी कम क्यों हो रहा है हमारे अपने इलाके में। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और बातें। प्रकृति की ओर, हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आ पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास चार ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। प्रकृति की ओर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इलाका कोई भी रहा हो, मनुष्यों ने उसे अपनी जरूरत के हिसाब से रिहायशी इलाकों में तब्दील किया, मगर ये काम इतना आसान नहीं था। कहीं दलदली भूमि थी तो कहीं जंगल, और फिर तलाश हुई पानी की। इस तलाशे गए पानी को लोगों ने अलग अलग तरीके से संजोया। आइए देखते हैं कैसे। राजधानी दिल्ली में कुल 629 जलाशय हैं। ये जल स्रोत बेहद खास हैं। 123 जलाशय लगभग सूख गए हैं और 118 पर DDA का मालिकाना हक है। आंकड़े तो और भी हैं, मगर पहले ये समझना जरूरी है कि जब पांडवों ने अपना राज प्रासाद बनाया तब इंद्रप्रस्थ यानी आज की दिल्ली की स्थिति क्या थी। इतिहासकारों का मानना है कि पुराने किले का निर्माण शेरशाह सूरी ने पांडवों के राजप्रसाद के खंडहरों पर ही करवाया था। उस समय खांडवप्रस्थ नामक ये जगह कीकड़ सहित अन्य अनेक पेड़ों की प्रजातियों वाला घना जंगल था। ऊबड़ खाबड़ जगह थी। एक ओर यमुना नदी थी तो दूसरी ओर अरावली का पठार। अरावली पठार के अंतिम छोर पर अवस्थित है दिल्ली। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार ये दुनिया का सबसे पुराना पठार है, हिमालय से भी पुराना। ऐसा माना जाता है कि ये सख्त पठार गंगा यमुना के दोआब के नीचे से होता हुआ हिमालय पर्वत श्रेणी की तलहटी तक जाता है। इस कारण ये पूरा इलाका भूतापीय गतिविधियों से प्रभावित है। इंद्रप्रस्थ पांडवों के बाद उपेक्षित हो गया। हरियाणा के पलवल नामक शहर, जो पहले कभी बहुत बड़ा तालाब था, से लेकर हरियाणा के ही अंबाला शहर तक देसी कीकड़ का विशाल जंगल था। इसमें अनेक जंगली जानवर, जनजातियां, वनवासी रहा करते थे। पुराने साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जाता है कि आज जहां जंतर मंतर और अग्रसेन बावड़ी है, उसके समीप पहले एक जलधारा बहा करती थी। आधुनिक विकास की अंधी दौड़ में सब कुछ बदल गया है। ऐसा माना जाता है कि मेहरौली इलाके में सबसे पहले इंसान ने अपनी बस्ती बसाई। यही कारण है कि दुनिया के सबसे पुराने पठार पर 40 कुएं बनाए गए, जो आज भी पाए जाते हैं। इनमें से 4-5 कुओं में आज भी पानी है। जहां तक पानी की बात है, एक तो ये कि मेहरौली विश्व के प्राचीनतम पठारों में से एक माना जाता है, उच्चतम पठारों में से एक माना जाता है,
और यहाँ पे 40 कुओं का वजूद हमेशा रहा, जिनमें से कुछ आज भी हैं। 40 कुएं जो इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पे आबादी थी और इतने पुराने समय से थी। के अलावा यहाँ दो बावड़ियाँ, जिसको एक जिसमें से एक का नाम गंधक की बावड़ी और एक राजों की बावली के नाम से मशहूर हैं। ये 13वीं और एक बावड़ी 13वीं सदी की है, एक लोदी पीरियड की है। इसके अलावा महरौली के पठार के आसपास सघन जल क्षेत्र था, पानी बहुतायत में था। एक अत्यंत प्राचीन जलाशय भी आज मौजूद है। मुगल काल में महरौली उनकी एक गर्मी की राजधानी, एक समर कैपिटल के रूप में जानी जाती थी और उनका यहाँ महल भी है एक, जिसको जफर महल के नाम से जानते हैं। बहादुर शाह जफर ने उसको रेनोवेट किया था। 3-4 तालाबों का जो हमारे इतिहास में जिक्र आता है, उनमें से एक है शमशी तालाब। शमशी तालाब के बारे में इतिहासकारों का मानना ये है कि ये अल्तमश ने बनवाया था, उस समय का है। शमशी तालाब हम बचपन में देखा करते थे, बारिश के मौसम में वो 1.5-1 किलोमीटर तक दूर तक, जहाँ आसपास अमरैयाँ हैं, आम के बाग हैं, वो फैल जाता था और वो पानी सड़क की दूसरी ओर जो झरना है किन्हीं स्रोत के जरिए, वो पानी उन झरनों से गिरते हुए एक पुल में, जो परमानेंट पक्का पुल था, उसमें वो इकट्ठा होता था और तैराकी का वहाँ पे लोग आनंद लिया करते थे और बाद में वो पानी बहते हुए खिरनी के बागों तक चला जाता था। कालांतर में महरौली इलाका इसी कारण आबाद हुआ, क्योंकि यहाँ पीने का मीठा पानी मौजूद था। बस्ती बसाने के लिए ये जगह उपयुक्त थी, शायद इसीलिए मीठे पानी के अन्य स्रोत खोजे गए, कुएं बनाए गए, बावड़ी बनाई गई, तालाब पोखर आदि बनाए गए। दूसरे शब्दों में कहें तो उस समय के लोगों ने अपना पानी अपने पास सहेज कर रखना सीख लिया था। अनेक कारणों से आज की दिल्ली पांडवों के बाद सैकड़ों साल उपेक्षित रही, लेकिन जलाशयों ने अपना अस्तित्व नहीं खोया। पानी की मौजूदगी में अनेक जातियों के लोगों ने यहाँ अपने लिए रहने की जगह बनाई और खेतीबाड़ी शुरू की। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कि कैसे लोगों ने खेतीबाड़ी के लिए पानी को खेतों तक पहुंचाया। प्रकृति की किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। देखिए किसान प्रश्न मंच गुरुवार रात 10 बजे। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी शनिवार सुबह 9 बजे। प्रकृति की ओर। बस्तियां बसनी शुरू हुई और उसके साथ ही शुरू हुआ खेतीबाड़ी का काम। इसके लिए पानी को अलग अलग तरीकों से खेतों तक पहुंचाया गया। दिल्ली विकसित होना शुरू हुई और शुरू हुआ पानी को सहेजने का काम। खेती के लिए दिल्ली का दक्षिण भाग सदैव उपयोगी रहा। इसी इलाके में जंगल साफ करके खेती लायक जगह तैयार की। आज के लोधी कॉलोनी, लाजपत नगर, साउथ एक्सटेंशन, मालवीय नगर, साकेत, महरौली का समीपवर्ती इलाका, महिपालपुर, आया नगर क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर खेती शुरू की गई। इस इलाके में क्या क्या पैदा किया जाता था ये कहना संभव नहीं है।
दिल्ली की अवसादी संरचनाओं का निर्माण एओलियन युग की नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी पर नई मिट्टी की परत जमती चली गई। इस कारण जमीन के नीचे पानी ज्यादा भर जाता है। भूजल स्तर में होने वाले बदलावों का भी इस नई मिट्टी की संरचना शक्ति पर असर पड़ता है। इसी कारण दिल्ली में ढीली ढाली मिट्टी की परत ज्यादा मोटी नहीं है। शायद इसी वजह से पांडवकालीन खांडव प्रस्थ और खांडव वन हरा भरा और दलदल वाला था। दिल्ली के शासकों ने आबादी के बढ़ते क्रम में यहाँ जल संरक्षण के अनेक सफल प्रयास किए। मेहरौली इलाका इसका सबसे अच्छा उदाहरण पेश करता है। एक समय साकेत, पुष्प विहार, मालवीय नगर और उसके आसपास के इलाकों में खेतीबाड़ी होती थी। खेती के लिए पानी उपलब्ध करवाने के मकसद से मोहम्मद शाह तुगलक ने खिड़की गांव में सतपुला नामक एक बांध बनवाया था। ये आज भी देखा जा सकता है। सिंचाई योजना का बेहतरीन नमूना था महिपालपुर बांध। इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तत्कालीन समय में दिल्ली के दूसरे नगर सिरी के निवासियों को पानी उपलब्ध करवाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ा तालाब खुदवाया। इस तालाब को आज हौजे अलाई के नाम से जाना जाता है, जो हौज खास में अवस्थित है। चार मंजिला राजो की बावड़ी का निर्माण सन 1516 ईस्वी में सिकंदर लोदी के एक सामंत दौलत खान ने करवाया था। दुर्भाग्यवश आज ये बावड़ी पूरी तरह सूख गई है। सूफी संत बख्तियार काकी ने कुतुब मीनार के समीप मेहरौली में एक बावड़ी का निर्माण करवाया था। इसके पानी में सल्फर यानी गंधक की गंध आने से इसे गंधक की बावड़ी कहते हैं। जल संरक्षण और वास्तुशिल्प का अद्वितीय नमूना है जहाज महल। इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया ये तालाब और जहाज नुमा महल आज भी मौजूद है। महल तो खंडहर में तब्दील हो रहा है, मगर तालाब के चारों ओर चार दीवारी करके इसे संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। तुगलकाबाद किले के दक्षिण दिशा में एक विशाल जलाशय होता था। इसके पूर्व में दो पहाड़ियों के बीच पुश्तों का निर्माण करवाया गया था। एक पुश्ता गियासुद्दीन के मकबरे से जोड़ता था, जो पानी के बीच में स्थित था, जबकि इसके दक्षिण पूर्वी कोने के समीप एक चौड़ा बांध आदिलाबाद के किले तक पहुंचने का रास्ता बनाता था। इस जलाशय से निचले खेतों की सिंचाई होती थी। इसके अलावा समय समय पर अनेक शासकों ने पानी को सहेज कर रखने के अनेक उपाय किए। उग्रसेन की बावड़ी, अनंगताल, निजामुद्दीन बावड़ी, फिरोज शाह बावड़ी, ताल कटोरा बावड़ी, सूरज कुंड आदि ऐसे जलाशय हैं जो पानी के प्रति सजगता की कहानी कहते हैं। सन 1906 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक सेवन सिटीज ऑफ दिल्ली के लेखक हर्ष उल्लेख करते हैं कि लाल किले के सामने लाल डिग्गी नामक तालाब था, जो 300 फुट लंबा और 150 फुट चौड़ा था। लाल पत्थरों से बना होने के कारण इसे स्थानीय लोग लाल डिग्गी कहते थे। ब्रिटिश भारत काल में जब अंग्रेज शासकों ने दिल्ली को राजधानी बनाने का फैसला लिया, तब दिल्ली सिर्फ पुरानी दिल्ली तक सीमित थी। दिल्ली गेट से दक्षिण उत्तर का इलाका खाली था। सल्तनत कालीन अनेक किलों के अवशेष मौजूद थे। पुराने किले से राष्ट्रपति भवन तक और संसद भवन से दिल्ली गेट तक खेती बाड़ी की भूमि मौजूद थी। इसके साथ साथ उस समय प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध था। सैकड़ों कुएं थे, तालाब थे, बावड़ी थी, कच्चे तालाब थे, जलधाराएं थी। नई बस्ती बसाने के लिए प्रचुर मात्रा में पानी था, समतल जगह थी। यही कारण है कि अंग्रेजों ने दिल्ली को राजधानी बनाने का फैसला लिया।
ब्रिटिश कालीन दिल्ली में 350 छोटे बड़े तालाब थे। इनके रखरखाव के लिए सल्तनत काल से ही शासन को एक निश्चित धनराशि दी जाती थी ताकि सभी को पानी मिल सके, सभी के घरों में चूल्हे जल सके। लेकिन अपनी हठधर्मिता के कारण दिल्ली में पानी की तबाही का जो दौर शुरू हुआ वो आज तक जारी है। विकास की लहर ऐसी चली, विकास की आंधी ऐसी आई कि एक तालाब को तो शायद बिल्डरों के मलबे से भर दिया गया और एक तालाब को बचाने के लिए डीडीए वालों ने उसकी ऐसी चार दीवारी बनाई कि उसमें पानी अब बारिश का उतना इकट्ठा नहीं हो पाता और वो तालाब एक तलाई के रूप में अब उसका वजूद रह गया है और उसी के पास आज भी फूल वालों की सैर होती है। इन कुएं, इन तालाबों और इन बावड़ियों की जो वर्तमान दशा है उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है, इसके बारे में तो एक राय बनाना मुश्किल है। क्या अंग्रेज़ों के समय में इनके मेंटेनेंस के लिए पैसा देना बंद हो गया था, क्या ये इसका कारण है? क्या आज़ादी के बाद सरकारों ने इस ओर कम ध्यान दिया, क्या ये इसका कारण है? या आबादी इस कदर बढ़ी कि लोगों को पानी की जगह शायद जगह की ज़्यादा, ज़मीन की ज़्यादा आवश्यकता हुई तो लोगों ने उन्हें भर दिया, या ये लापरवाही है कि लोगों ने कूड़ा फेंकने कहीं और फेंकने के बजाय इन कुओं में फेंका और वो भरते चले गए। विडंबना ये भी है कि जब आबादी बढ़ने के साथ साथ जहाँ पानी की आवश्यकता बढ़ी, पानी की मांग बढ़ती है, वैसे में पानी के ही स्रोतों को बंद कर दिया जाता है। अंग्रेजों ने तालाब, पोखर, कुएं आदि के प्रबंधन के लिए मिलने वाली रकम देने से इनकार कर दिया। इस कारण धीरे धीरे जलाशय सूखने शुरू हो गए, साफ सफाई रुक गई। अंग्रेजों ने हालातों को बिगड़ते देख थोड़ी बहुत मदद देनी शुरू की, मगर कालांतर में ये रकम देनी भी बंद कर दी क्योंकि नई योजना के तहत घरों में पानी पहुंचाने के लिए नल लगाने की परंपरा शुरू की। मगर ये व्यवस्था सिर्फ अंग्रेजों के लिए बने घरों के लिए थी और आम नागरिक पानी के लिए परेशान होने लगा। खेती बाड़ी नष्ट हो गई, पेड़ पौधे सूखने लगे, शासक आए और चले गए। पानी सभी की जरूरत था, सभी ने जल प्रबंधन के सार्थक प्रयास किए। आज राजधानी दिल्ली को फिर एक बार बड़े स्तर पर जल प्रबंधन की जरूरत है। आधुनिकता के इस दौर में हमने पानी के सवाल को कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया है और अपना सारा वक्त ईंटों की जंगल की नुमाइश में लगा दिया है। जमीन के अंदर से पानी निकालने की मुहिम को हमने तेजी दी, लेकिन ये पानी जमीन के भीतर कैसे जाए उसके सारे रास्ते हमने रोक दिए हैं। क्या यही विकास की अंधी दौड़ है? पानी की समस्या केवल दिल्ली क्षेत्र की ही नहीं है, बल्कि देश का हर गांव, हर शहर इस समस्या से जूझ रहा है। हमें अपने पूर्वजों से पानी को सहेजने का हुनर सीखना चाहिए और अपने आने वाली पीढ़ियों को पानी की सौगात देनी चाहिए। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रकृति की ओर।